चाहते हैं कि फैमिली हमेशा जुड़ी रहे, घर में खुशियां बनी रहें, तो क्या कारण है? क्या उसका कारण धन है, कोई अदर सोर्सेज है, कुछ और सोचना है? धन भी बहुत बड़ी कारण हो सकता है, आप देखते हैं फैमिली को जोड़ने में, फैमिली के टूटने में, चाहे वो धन ज्यादा हो चाहे वो धन कम हो, फैमिली के लिए कहीं ना कहीं एक जरूरत दिखती है। अब धन की तो जरूरत वैसे भी सबको दिखती है। आज हमारे परिवारों में बहुत छोटी छोटी सी बातों पर ना चाहते हुए भी आर्गुमेंट बढ़ जाते हैं, बेवजह दूरियां बढ़ जाती हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। जरूरी है आपको अपने परिवार को जोड़ने के लिए आपका शांत रहना। कभी आप देखते हैं परिवार में एक जना बोल रहा है तो आप थोड़ी देर शांत तो रहो, समस्याएं अपने आप थोड़ी सी हल हो जाएंगी। उसके बाद भी आप देखते हैं कि प्रॉब्लम है तो हम कहां देखें अपने घर के अंदर, वो समस्या कैसे दूर करें? उसके लिए जरूरी है सबसे पहले अपनी बॉडी को देखने की। हमारी बॉडी के अंदर पृथ्वी तत्व, स्थाई कोण, स्थाई तत्व, रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र, वो आपका पृथ्वी तत्व है। अगर वो अनबैलेंस है तो आपका घर भी अनबैलेंस है। आपका पृथ्वी तत्व घर के अंदर भी अनबैलेंस है। जरूरी है आपको दोनों को ठीक करने की। अभी तक हम क्या करते हैं, हम अपने घर के पृथ्वी तत्व को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम अपने घर के अर्थ को ठीक करते हैं। अर्थ का मतलब साउथ वेस्ट की दिशा, हमारे पितरों की दिशा। हमारे पितरों की दिशा जिस प्रकार ईस्ट के देवता भगवान सूर्य हैं और भगवान इंद्र हैं, इसी प्रकार साउथ वेस्ट की दिशा हमारी अपनी दिशा है, क्योंकि वहाँ के देवता हमारे पूर्वज हैं या दादा दादी हैं। तो इसका मतलब ये आपकी अपनी दिशा हो गई, लेकिन यह दिशा आपके शरीर में भी है। रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे वाला हिस्सा पृथ्वी तत्व, वो भी आपका अनबैलेंस है, उसे भी ठीक करना है आपको। अर्थ को अगर आप ठीक करेंगे तो बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। एक अर्थ को धन के रूप में भी बोला गया है, अर्थ का दूसरा नाम धन भी है। जिस प्रकार आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपको धर्म, अर्थ, काम, उसकी पूर्ति करवाता है। वही पूर्ति करने के लिए आप अपने घर को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले धर्म चलता है, उसके बाद अर्थ चलता है, उसके बाद काम। धर्म का मतलब है धार्मिक स्वभाव से कमाया हुआ, अर्थ का मतलब धन, और काम का मतलब है मनोकामनाएं। धर्म के अनुसार कमाया हुआ धन से अपनी मनोकामना को पूर्ति करने के लिए घर की जरूरत है। उस घर को भी आपको बैलेंस करना है। अगर किसी प्रकार आपको लगता है आपने अपना घर तो बैलेंस किया,
तो कहीं ना कहीं और जगह भी देखना है, आपको अपने बॉडी में भी देखना है, क्योंकि अर्थ यहाँ भी है। उसको भी आपको जागृत करना है, सुबह आधा घंटा अपने आप को देना है। मेरी हर वीडियो में आपको एक ही चीज़ मिलेगा, हर बात में मेरी एक ही चीज़ मिलेगा आपको, अपने आप को जागृत करने के लिए। उसके बिना आपके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि अर्थ स्थाई है, तत्व भी स्थाई है। धन थोड़ी देर के लिए आ जा सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है, आपकी जरूरत पूरी करने के लिए भी हो सकता है। आपको फोकस करना है अपने आप को जागृत करने का। जो आप ये शरीर देख रहे हैं, अपना ये शरीर देख रहे हैं आप, इस शरीर को अगर आप जागृत कर लेते हो तो बहुत सारी चीजें तो अपने आप मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हम घर की समस्याएं दूर कैसे करें। ऐसा क्या हम अपने घर के अंदर ढूंढें कि ये वो दूरियां कम हो, दूरियां खत्म हो जाएं, परिवार में सब एक जगह बैठ कर खाना खाएं, हंसें बोलें। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन से नेगेटिविटी को ख़त्म करना। जिस प्रकार आप कंप्यूटर के अंदर एक एंटीवायरस डालते हैं, वो क्या करता है, आप कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर में दुनिया भर में देखते भी हैं, कंप्यूटर में आप साइड दूसरी साइडों पर भी जाते हैं, इधर उधर साइडें खोलते हैं, तो वह उसका वायरस ना आ जाए। उसी प्रकार आपके शरीर में भी वायरस ना आ जाए, तो उसके लिए भी ज़रूरी है आप जब भी फ्री बैठो कोई मंत्र बोलते रहो। जब भी फ्री बैठो ओम नमः शिवाय जप लो, ओम जप लो। अगर आप ओम जप रहे हैं फ्री समय में, आप अपना काम कर रहे हो उस समय, मैं नहीं कहता कि आप उसे ओम कुछ बोलना जरूरी है, आपका मन तो बोलेगा कुछ समय के लिए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओम बोलना है जब भी आप फ्री बैठें, जब भी आप फ्री बैठें आप ओम की धमनी निकालो, उससे आपका सहस्रार चक्र और आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्र, ये जागृत हो जाएगा। सब कुछ यहीं पर ही है, अब मिलना भी यहीं से ही है। थोड़ा पेशेंस से काम लो, गुस्सा है थोड़ी देर सोचो, जल्दबाजी के फैसले कुछ हाथ नहीं देते आपको। उसके बाद आपको जरूरत है अपने आप को देखने की, जो आपका मूलाधार चक्र है, जो आपका मूलाधार चक्र है पृथ्वी तत्व, उसको जागृत करो। उसको जागृत करने के लिए आप बिल्कुल सीधा बैठें, कमर को बिल्कुल सीधी रखें, ओम लम को कम से कम आप 21 बार बोलें। ओम लम, लम मंत्र है उसको जागृत करने का प्रति तत्व को, ओम उसे 7 गुना ताकत बढ़ा देता है अगर ओम लगाते हैं तो, डबल फायदा हो गया आपको। आपका ये शरीर जागृत हो गया, यहां से प्रति तत्व आपका मजबूत हो गया। अब आपको जरूरत है अपने घर के पृथ्वी तत्व को देखने की। अगर आप अपने घर के पृथ्वी तत्व में आप पाते हैं कुछ एंटी एक्टिविटी हो रही है, कटा है, फटा है, प्लास्टर उखड़ रहा है, टूट रहा है, तो वो अच्छी नेगेटिविटी नहीं, वो बहुत सारी नेगेटिविटी है। बहुत अच्छी आपने नेगेटिविटी इकट्ठी कर ली, आपने बहुत सारी नेगेटिविटी इकट्ठी कर ली, वो आपको साउथ वेस्ट अपना बिल्कुल साफ अच्छा, प्लास्टर बिल्कुल ठीक, कहीं से टूटा हुआ नहीं हो, प्लास्टर ना उखड़ रहा हो, पेंट ना फट रहा हो, टॉयलेट ना हो, गंदगी ना हो, तो आपका स्थायी कोण बहुत मजबूत हो जाएगा, आपकी फैमिली एक साथ जुड़ जाएगी। वहां से आपको पेड़ हटाने हैं, हरा कलर हटाना है। पेड़ वायु की दिशा है, ईस्ट की दिशा है, जो पृथ्वी तत्व को सपोर्ट नहीं करती,
अंगेष्ट में होती है, तो वहां से आपके आर्गुमेंट होने शुरू हो जाएंगे। अगर वहां पर आपके आर्गुमेंट बढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत भी खड़ी दिखाई देगी। वहां से आपको पेड़ भी हटाने हैं, हरा कलर भी हटाना है, कोई लंबाई वाली आकृति है वो भी हटाना है, आपने वहाँ बहुत सारा स्टील डाल रखा है या चमकीली कोई चीज़ें डाल रखी है वाइट कलर की, वो भी हटानी है। फिर देखो आपको अपने आप ही सुधार होना शुरू हो जाएगा अपने आप, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं धीरे धीरे। मन में एक पाला हुआ छोटा सा भ्रम एक बार में बहुत बड़ा हो जाता है कुछ समय बाद, तो उसे आज ही खत्म कर दो। उसको आपको बिल्कुल साफ रखना है, साउथ वेस्ट की दिशा अपने आप को साफ रखनी है। साउथ वेस्ट के साथ साथ आपको जरूरत है नॉर्थ ईस्ट की भी, आमने सामने की दिशा है वो क्लैरिटी देती है। अगर नॉर्थ ईस्ट आपका अच्छा है तो साउथ वेस्ट भी आपका अच्छा है। साउथ वेस्ट में अगर केतु है तो नॉर्थ ईस्ट में राहु भी पूरा शरीर हो जाता है। सोच आपकी अच्छी है तो फैमिली भी आपकी बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साउथ वेस्ट में से हमेशा सफाई, गंदगी ना हो, हमेशा सफाई हो, हरे कलर ना हो, लाल कलर ना हो, टूटा फूटा कटा फटा ना हो, और वहाँ पे दरवाज़ा भी अच्छा नहीं है, एंट्रेंस भी अच्छी नहीं है। आप एंट्रेंस, अगर आपको लगता है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो आप वहाँ पर एक पीले पेंट से उसे ब्लॉक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि दरवाज़ा तो चाहिए। तो वहाँ पर आप पीले पेंट की 3 या 4 इंची चौड़ी पट्टी यूज कर लेंगे। फिर आप कुछ समय बाद ही पाएंगे कि आपकी फैमिली रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, सुधार बहुत अच्छा हो गया है, सब एक जगह बैठ कर खाना खा रहे हैं, सब एक दूसरे का कहना मान रहे हैं। तो ज़रूरी है, हम भी चाहते हैं सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो, उसके लिए इन छोटे छोटे सुधारों को आप करोगे तो भगवान की कृपा आपको बरसती रहेगी। हमारे पास लगातार फ़ोन आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि मुझे ये परेशानी है, इसका क्या हल किया जाए। सबको अलग अलग समय देकर, अलग अलग फ़ोन पर बात करके ये आसान नहीं हो सकता, ये संभव भी नहीं है कि सबको सुबह शाम तक अलग अलग कॉल पे। आप तो मेरे से आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको सही जवाब नहीं दिया, हो सकता है आप नाराज़गी हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल सोच के देखो, आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, तो बहुत सारे फ़ोन को आप जवाब नहीं दे पाते। तो उसके लिए हमने एक विचार बनाया, सोचा कि कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे पास आए, सामने बैठें, अपना नक्शा लेकर आएंगे, उसकी जो भी समस्याएं होंगी आपके घर की, जो आप संभव फेस कर रहे हैं, आप अपना नक्शा लेकर आइए, जिस घर में आप रहते हैं। आने से पहले कंपास की ग्रीडिंग हो तो और भी अच्छा है, जिससे प्रॉब्लम मैच करने में आसानी होगी और आप सामने बैठकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके लिए सोमवार का दिन ऑफिस में हेल्प होगी आपकी।